22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों संकेतों में बात करते हैं। पार्टी और परिवार के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ने वाले तेज प्रताप यादव ट्विटर पर जब लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, तो संकेतों में बहुत कुछ कह जाते हैं और अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव है तो आध्यात्मिक भाषा का, आध्यात्मिक स्लोगनों का यूज ज्यादा करते हैं, यानी भक्ति स्लोगनों का यूज ज्यादा करते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने रामनवमी की बधाई दी है और रामनवमी के बधाई के लिए उन्होंने जो लिखा है उससे कहीं ना कहीं कुछ संकेत छिपे हैं और कुछ संकेतों की ओर इशारा कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जीवन में सत्य, नैतिकता, न्याय और निष्ठा के प्रति मान स्थापित किए हैं, वे सभी के लिए अनुकरणीय हैं। श्री रामनवमी की आपको हार्दिक बधाई। तो रामनवमी की हार्दिक बधाई दे रहे हैं, लेकिन शुरुआती दो लाइन जो लिखी है तेज प्रताप यादव ने कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। इसे संकेत समझा जा रहा है और यह समझा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने यह संकेत दिया है, यह बताने की, यह कहने की कोशिश की है कि वे अपने, उनका जो संकल्प है, उनकी जो बात है, उससे नहीं डिगेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बगावत छेड़ रखी है पार्टी और परिवार में, उन्होंने जो डिमांड कर रखी है उससे वे पीछे नहीं हटेंगे। इस ट्वीट के जरिए रामनवमी के बधाई के बहाने उन्होंने ये कहने की कोशिश की है और लगातार ऐसी ही भाषा, ऐसी ही आध्यात्मिक स्लोगनों के जरिए तेज प्रताप यादव संकेतों में बहुत कुछ कहते रहे हैं ट्विटर के जरिए। हालांकि तेज प्रताप यादव ने खुले रूप से भी कई कहा है, भाजपा पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लिया है, उन पर हमला किया है, लेकिन रामनवमी के मौके पर उनका यह ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ किया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यह संकेत इस ट्वीट के जरिए जो समझा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने संभवतः यह कहने की कोशिश की है कि जो विद्रोह उनका है, जो नाराजगी उनकी है, वो फिलहाल खत्म होने वाली नहीं है और जो खबरें आती हैं रूठने की, मनाने की, तो वे मानने वाली नहीं है। जैसे कि कल भी एक खबर आई थी कि उनकी माँ जो हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपील की है कि अब बहुत हो गया, अब बेटे को घर लौट आना चाहिए। उन्होंने अपील की है तेज प्रताप यादव से कि आप घर लौट आओ। तो तेज प्रताप यादव के ट्वीट के संकेतों को समझे तो संभवतः यह कहने की कोशिश कि फिलहाल वो मानने वाले नहीं हैं और उनकी डिमांड जो है उस पर वे डिगे हुए हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बिहार की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, शिवहर की सीट और जहानाबाद सीट पर। जहानाबाद से चंद्र प्रकाश राय के समर्थन में लगातार वे प्रचार कर रहे हैं। जाहिर है अपनी ही पार्टी की मुश्किलें तेज प्रताप यादव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ, अपने समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करना कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की मुश्किलें, उनके पार्टी के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ाएगा। तो तेज प्रताप यादव लगातार अपने पार्टी और अपने परिवार के लिए मुश्किलों का सबब बने हुए हैं और आज ट्वीट करके ये साफ किया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी डिगेंगे नहीं अपने फैसले से। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।